मेहनत की रसूले खुदा ने कि जब आप तबलीग पे लिए जाते थे, पत्थर आते थे, लहू लहान होते थे, जिब्राइल आते थे, आगे कहते थे या रसूलल्लाह अगर आप कहें तो ये पहाड़ इन्हें दे मारो, फरमाते थे जिब्राइल ये काम अभी नहीं कर रहा, अल्लाहुम्मा अहदे कौमी इन्नहुम ला यालमून, परवरदिगार मेरी कौम को भी पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि मोहम्मद क्या है, मकामे रिसालत का पता नहीं है, फिर इन्हों नहीं जानते इसके इनके हिदायत फरमाए, हर लहजा हिदायत, हर लहजा हिदायत, और पैगंबर इशारा फरमाते हैं मा उज़िया नबीयुन मिस्लु मा उज़ी, जितनी अज़ियतें मुझ मोहम्मद को दी गई, जितनी तकलीफें मुझे दी गई किसी नबी को नहीं दी गई। हालांकि आप तारीख में पढ़ते हैं कि अंबिया को आगों से छीना गया, दरख्त में डाला गया, उनको जलते तेलों में, पता नहीं क्या कुछ अंबिया के साथ किया गया, लेकिन पैगंबर के शायद जितनी तकलीफें मुझे दी गई हैं, किसी नबी को इतनी तकलीफें नहीं दी गई। वक्त आखिर है पैगंबर अकरम, छोटा सा गुजरा है, उसमें सबको बाहर जाने का हुक्म दिया है, अब फक कौन है, या अली है, या जाहरा है, या हसन है और हुसैन, और रसूलुल्लाह सबको वसीयत कर रहे हैं अली जान मेरे बाद सब्र कर, मेरे बाद दीन की बका के लिए तलवार, मैं कहूंगा या रसूलल्लाह कितनी हद तक अली सब्र करेंगे, रसूल ने जो हुक्म दिया था वाकई उस पे, इसीलिए मौला को क्या कहा जाता है असबर साबिर, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, क्यों वजह क्या है, एक गैरतमंद हो इंसान, तंदुरुस्त भी हो, शुजा भी हो, उस जैसा बहादुर भी कोई ना हो, और फिर उसके सामने उसकी बीवी को कोई तमाचे मारे और वहां पे वो सब, और इमाम हसन जो फरमाते हैं कि मुझे तो कोई लम्हात नहीं भूलते, मुझे कोई लम्हात नहीं भूलते कि मुझे याद है कि मैं छोटा सा था, चार पांच साल का मेरा सिन था, मैंने क्या देखा अजीजो, अब ये आले बैत ने कैसे सबर किया, फरमाया मैं छोटा था, आज भी मेरे जहन में वो मंजर मौजूद है कि बाहर कुछ लोग आए, आके आवाज दी कि अली को बाहर निकालो, अब अली दरवाजे पे नहीं आए, मेरी अम्मा मेरी माँ दाहरा दरवाजे पे आ गई, अब कहने वाले ने धमकी दी कि अली को नहीं निकालोगे तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे, इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं कब एक मरतबा दरवाजे को आग लगी, वो जलता हुआ दरवाजा मेरी माँ के पहलू पे गिरा, और मेरी माँ ने कहा या फिजा खुदीनी, ऐ फिजा आगे आओ मुझे संभालो, ये छोटा बच्चा है जिसके जहन में ये माँ की वो मंजर है, कैसे वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन बर्दाश्त कर रहे रसूल ने, और फिर रसूल ने वसीयत की है हसन सबर करना, हुसैन सबर करना, और अक्सर रसूलुल्लाह इमाम हसन मुज्तबा के होठों को चूमा करते थे, सैयदुश्शुहदा के गले को चूमा करते थे, जब बीबी ये अमल देखती थी ना ताज्जुब करके अपने बाबा से पूछती थी, बाबा क्या फर्क है मेरे हसन में मेरे हुसैन में, जब आप हसन के बोसे लेते हैं तो उनके होठों को चूमते हैं, जब हुसैन को चूमते हैं तो गला चूमते हैं, एक मरतबा वो अजरों को मला
अल्लाह, हुसैन के गले पे खंजर चलेगा। ये वसीयतें हो रही हैं रसूल, लेकिन वो मंजर सारे रसूल के रसूलुल्लाह के ज़हन में वो मंजर। अब एक एक मरतबा रसूल अपने गले से लगा रहे हैं, कभी अली को, कभी अपनी बेटी को, कभी अपने नवासों को। अब वक्त आखिर है, रसूलुल्लाह ने कहा अब गोद जो सर है अली के गोद में, पैगंबर अकरम का सर मौला अली की गोद में है। अब रसूल इस दुनिया से जा रहे हैं, अब जाते हुए वसीयतें की हैं मौले कायनात को, जितने भी क़यामत तक के लिए आने वाले मसाइल थे वो जो नबूवत था वो रसूल ने बारे इमामत जो अली तक मुंतकिल किया। और फिर इसके बाद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्होंने अपने बाबा के सर को गोद में लिया, बैठी हैं। अब एक मरतबा क्या देखती हैं कि दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, रसूल की रहलत के आखिरी दिन है, आखिरी लहजात है, दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। अब हज़रत ज़हरा ने पूछा कौन है, उसने कहा मैं अजनबी हूँ, रसूल से मिलना चाहता हूँ। बीबी ने कहा मेरे बाबा भी सो रहे हैं, चले जाओ फिर किसी वक्त आ जाना। थोड़ी देर के बाद वो अजनबी फिर आया, तक्कुल बाब हुई, बीबी ने पूछा कौन है, कहा रसूल से काम है। अब एक मतलब बीबी की आंखों से गरम गरम आंसुओं के कतरे चेहरे रिसालत पे गिरे, रसूल एक मतलब होश में आए, होश में आके कहते हैं बतूल मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुलाया, कहा बाबा दरवाजे पे कोई आया है, बार बार मैं कहती हूँ रसूल सो रहे हैं। रसूल फरमाते हैं ज़हरा ये तेरे दरवाजे की अजमत है, ये आने वाला इसको इजाजत नहीं मांगना पड़ती, ये इजाजत का मोहताज नहीं। अल्लाह डालो यही घर था जहाँ पे जिब्राइल रुक गया था, लेकिन रहलते रसूल के बाद यही बीबी नुआ पा रही थी सुबत अलैया मसाए। ओ बाबा और ला के अपनी बेटी को देखो, इतनी मुसीबतें आ गई कि अगर रोशन दिनों पे आती तो तारीख रातों में बदल जाते। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना अय्युम क़लबीन क़लबून।